शुक्रगुजार हैं आकिब भाईजान के। जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कुछ वक्त पहले इस घर में रह रहे काफिर हिंदुस्तानी फैमिली को जानुम का रास्ता दिखाया और फिर उन्हीं की पहचान पर पाकिस्तान से आकर यहां बस गए। और बस इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी फौजों की आंखों में धूल झोंक कर यहां की सारी खुफिया जानकारी हमारे मुल्क पाकिस्तान पहुंचाते रहे। आके भाईजान, आपने मजहब और दीन की हिफाजत की है, इंशाल्लाह आपका दर्जा हमेशा बुलंद रहेगा। दुआ करो दोस्तों कि कल हम अपने मकसद में कामयाब रहे, इन हिंदुस्तानी आवाम पर तब तक गोलियां दागते रहना जब तक तुम्हारा दिल धड़कना बंद न कर दे। रेहान, आप अंदर जाओ। आकिब भाईजान, क्यों भेज रहे हो अंदर? आपका बेटा है वो, जितनी जल्दी हमारे काम सीख जाएगा उतनी जल्दी अपने मजहब और दीन की हिफाजत करेगा, जिहाद करेगा, जैसे हमारे भाइयों ने बंबई 26/11 में इन काफिरों को मारकर शहादत पाई थी, हम भी उन्हीं की तरह शहादत के बाद जन्नत पाए। हम बहुत किस्मत वाले, आका ने हमें ये काम करने का मौका दिया। अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। वक्त आ गया दोस्तों, अपने वतन के लिए कुछ कर दिखाइए। एक साथ एक आवाज इन हिंदुस्तानी फौजों के कानों में गूंजनी चाहिए। बिना किसी गांव वाले की मदद के कोई घुसपैठिया हमारी जमीन पे नहीं आ सकता। सांप पे भरोसा कर सकते हैं साहब, इन गांव वालों पे नहीं। कब काट खाएं ये लोग? ऐसे साहब बहुत मारे हैं उस्मान, और इस साहब का भी फन को चलने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। अल्फा टू चार्ली, कम इन, ओवर। चार्ली टू अल्फा सर। वहाँ गांव में किसी घुसपैठी के होने की खबर या ऐसी कोई गतिविधि मिली? ओवर। अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओवर।
चिड़िया सही सलामत घोंसले पर पहुंच चुकी है, दाने कल चुकेगी। जी जनाब। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? अब्बू चाहिए, अब्बू। अब्बू चाहिए? कहाँ है तुम्हारे अब्बू? पता नहीं। हाँ, पता नहीं? जी जनाब, जी। अरे 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 रेहान बेटा, आ गया तेरा अब्बा। क्या हुआ जनाब, सब खैरियत तो है? नहीं आकिफ, खबर मिली कि किसी घुसपैठी ने सरहद पार किया, तो उसी की तलाश है। ये बच्चा तुम्हारा है? जी जनाब, मेरा ही बच्चा है। तुमने किसी अनजान व्यक्ति को देखा या किसी पे शक? नहीं जनाब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम जा सकते हो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। चल। अबू दर्द हो रहा है। अबू, अबू दर्द हो रहा है। सर, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। साहब, बेस पे इन्फॉर्म कर दूं? नहीं उस्मान, पहले यहाँ के हालात जान लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। सब अलर्ट हो जाओ। आकिफ, 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 इन्फॉर्म करना पड़ेगा। शिट, रेडियो नष्ट हो चुका है। हमारे इस पोजीशन पर रहने का कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। दुश्मन की ताकत का भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। अम्यूनिशन बहुत कम है हमारे पास। साहब, मल्टीटास्क कर रहे हैं।
तुम ठीक कह रहे हो चरण, आप लोग आगे बढ़े, दुश्मन की ताकत का पता लगाएं। मैं यहाँ मल्टीटास्किंग फायरिंग एग्जीक्यूट करता हूँ। अरे शोर उस्मान। जी साहब। उस्मान, हम दोनों को कवर फायर दो, हम आगे बढ़ते हैं। अम्मी, अम्मी, पीछे हट। आखिर क्यों किया ऐसा? अपने देश, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो तू पाकिस्तानी है? हमेशा से। देख आकिफ, सुन आराम से, हमारी इस जंग में इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। बच्चे के सर से बंदूक हटा। अल्लाह के वास्ते जान देना और जान लेना दोनों फक्र की बात है। Thank you.
पुत्र ये खंडा पहन ले, वाहेगुरु तेरी रक्षा करेंगे। ओ मैनू कुछ नहीं होएगा माँ, जब तू मेरे साथ है। बेटा उठ, चरण तू ठीक है? कहा था ना साहब, कोहली जाए सेना के आर पार हो जाए, पर आप पर चरण दुश्मनों को मार के लाएगा। मेरी चिंता मत करो साहब, पर इनके मंसूबे कामयाब होने देना साहब, कामयाब होने देना। चिंता मत कर चरण, ये शरीर गोलियों से चाहे कितना भी चले क्यों, इस शरीर की आखिरी सांस क्यों ना बची हो, फिर भी ये कदम दुश्मनों की तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ नहीं। जनाब लगता है दुश्मन की गोलियां खत्म हो चुकी।
मुसलमान हो, मुसलमान होकर अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाते शर्म नहीं आती? शायद इसीलिए आका ने हम लोगों को चुना, तुम जैसों का खून बहाके जिहाद करने के लिए। जिहाद करने चला है, जिहाद करने वाले तभी पांव तारे काट कर नहीं आते। अफसोस बस इतना ही है कि तुझ जैसे लोगों की वजह से हमारी पूरी कौम को जिल्लतें झेलनी पड़ती है। आज मैं यहां तेरी गोली से मर तो जाऊंगा, लेकिन मेरा रोम रोम बस यही कहेगा, भारत माता की जय, भारत माता। इनके पास से सारा सामान बरामद कर लो और फेंक दो इनकी लाशों को पीछे काई में, और हाँ, उस तीसरे को भी ढूंढ कर उसके जिस्म से उसकी रूह निकाल लो और गाड़ दो। हिंदुस्तान की नापाक जमीन पर हमारे मुल्क पाकिस्तान का लहराता हुआ परचम अब्दुल रहमान, जो कहा है उसे करके दिखाना, क्योंकि सरहद की इस बार बस तिरंगा ही लहराया है और वही लहराता रहेगा। मौत को मैं नजदीक से देख रहा था, मैंने मान ही लिया था कि मैं मर चुका हूं, पर जैसे ही दुश्मन के पैर मेरे शरीर से टकराए तो एहसास हुआ कि नहीं, शायद मैं अभी भी जिंदा हूं। मेरी सांसें अभी भी चल रही थी, मैं जिंदा था। तब लगा कि अगर इन्होंने मेरे सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मेरा चाहे हाथ पैर काट कर ही क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। जब मैंने राइफल देखी तो मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये हाथ उठा ही नहीं आया, हाथ लटक गया था मेरा। बहुत दर्द हो रहा था, तोड़ के फेंक लेकिन टूटा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
की पीठ पे वार नहीं करते। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां। क्या बता शौक किस मंजिल में है, वक्त आने पे बता देंगे। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा ली सवीन पे धर कर। शुभ ना